क्या चाहिए। तो श्री भरत लाल जी ने कहा, अरे थे ना धरे चाहिए। बोले जन्म जन्म तक श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति और प्रेम प्रदान करना। तो ये डिमांड सुनकर के प्रयागराज जी के कान खड़े हो गए। बोले हे भक्त, मेरे पास में धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। मैं धर्म दे सकता हूँ, अर्थ दे सकता हूँ, काम दे सकता हूँ, मोक्ष दे सकता हूँ, लेकिन आपने जो मांगा है ये मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको कैसे दूँ। तो श्री भरत लाल जी ने कहा कि मुझे तो यही चाहिए। प्रयागराज जी ने कहा कि हमारी क्या विषाद आपके सामने, लेकिन फिर भी हम आपको केवल शुभ कामना देते हैं भरत, कि आपका प्रेम श्री सीताराम जी के चरणों में नित नया दिन रात बढ़ता रहे। केवल हम शुभ कामना दे रहे हैं, हम आपको नहीं दे सकते जो आप चाह रहे हैं। अब श्री भरत लाल जी सबसे पीछे डरते हुए आए पीताम्बर में, मुख छुपा करके महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में सबसे पीछे बैठते हैं छुप करके, कि गुरु जी अगर पूछेंगे कि भरत चतुर्मुखी सेना के साथ में कहाँ जा रहे हो, तो क्या जवाब दूंगा, इसलिए सबसे पीछे मुंह छुपा करके बैठे हैं। तो सारे लोगों की दृष्टि तो भरद्वाज जी पर है, लेकिन गुरु जी की दृष्टि ढूंढ रही है कि वो संत कहाँ है जो ग्रस्त जीवन में भी रह करके हमसे भी बहुत ऊपर है। तो सबसे पीछे भरत लाल जी बैठे हैं, दौड़ करके महर्षि भरद्वाज जी गए, हाथ पकड़ करके आगे लाए और कहा, भरत तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, इसमें ना तुम्हारी गलती है, ना तुम्हारी माँ की गलती, ना मंथरा की गलती है, श्री राम के वनवास में श्री राम की ही इच्छा है। रात्रि भर यहाँ पर विश्राम किया, प्रातःकाल हुआ और श्री भरत लाल जी यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। रोम रोम से श्री राम जी का नाम निकल रहा है, आंखों से प्रेम के अश्रुओं की लड़ी बह रही है, और श्री भरत लाल जी की ऐसी स्थिति देख करके देवता लोग आपस आकाश में घबरा गए। शारदे मैया से कहा कि मैया ऐसा करो कि भरत की मति को बदल दो। क्यों? बोले भरत की जो हालत है, जो स्थिति है, जो प्रेम है, उस प्रेम को देख करके करुणा निधान अपना नियम तोड़ देंगे, वो अयोध्या में निश्चित आ जाएंगे। वो सब कुछ पार कर सकते हैं, लेकिन एक प्रेमी के प्रेम के सागर को वो पार नहीं कर सकते। तो शारदे मैया ने कहा कि देवताओं, निवास तो बहुत ऊंचा है, लेकिन विचार तुम्हारे बहुत छोटे हैं। अरे पागलों, अयोध्या में अगर तुम सफल हो गए श्री राम के वनवास में, तो इसमें ये मत सोचना कि तुम्हारी इच्छा से हुआ है, श्री राम की इच्छा से हुआ, इसीलिए तुम सफल हुए हो। लेकिन अब अगर भरत की मति को बदलने के लिए बोल रहे हो, तो भरत की मति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी नहीं बदल सकता, और तुम मुझे कह रहे हो कि मति बदल दो। मैया ने फटकार लगा करके मैया यहाँ से चली जाती है। गुरु बृहस्पति जी से कहते हैं देवता लोग कि गुरु जी हर हाल में श्री भरत पहुंचना नहीं चाहिए श्री राम की शरण में, राम जी के पास में। गुरु जी ने कहा, देवताओं तुमको भरत के शरणागत तो होना चाहिए, श्री भरत संत है और संत कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, श्री राम के वनवास में जगत का कल्याण है, ये सुनते श्री भरत लाल जी कभी जिद नहीं करेंगे। लेकिन महाराज देवता तो देवता है, श्री राम वन में जाते हैं तो सुविधाएं मिलती है, देवता लोग बादलों की छाया करते हैं, नीचे पृथ्वी भी साफ हो जाती है कि कंकर न चुभ जाए, क्योंकि श्री राम काज करने के लिए जा रहे ना देवताओं का। लेकिन श्री भरत लाल जी से देवताओं को डर लग रहा है, इसलिए धरती भी कंकर चुभो रही है, आकाश में सूर्य भी तीखी किरणें गिरा रहे हैं, पवन भी बहना बंद हो गई कि हर प्रकार से इनके तन को कष्ट मिले ताकि श्री राम जी तक पहुँच ना पाए। लेकिन श्री भरत लाल जी फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे जाकर के किसी कोल भील से पूछते हैं कि चित्रकूट का रास्ता किधर है, तो आगे वाले कहते कि नहीं नहीं आप तो पीछे छोड़ करके आ गए। पीछे जाकर के पूछते, बोले नहीं नहीं आप तो उधर छोड़ करके आ गए। रास्ता भी भटका रहे हैं, लेकिन फिर भी श्री भरत लाल जी के रोम रोम से श्री राम जी का नाम निकल रहा है और आबाद गति से इनकी गति बढ़ती जा रही है। यमुना जी के किनारे पर पहुँच करके श्री भरत लाल जी हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं, रोते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। मैया कौशल्या अपनी पालकी को भरत लाल जी के पास में जैसे
लोगों से कहा कि वहां पहुंचाओ। पालकी से उतरी और मैया कौशल्या ने श्री भरत लाल जी के चरणों को देखा तो मैया बहुत जोर से रोने लगी कि भरत तुमने ये क्या दशा कर ली है, तुम पैदल क्यों चल रहे हो। श्री भरत लाल जी के चरणों में बड़े बड़े फफोले हो गए थे, श्री राम जी के चरणों में नहीं हुए, लेकिन भरत जी की तो परीक्षा देवता भी लोग ले रहे हैं ना, इसलिए बड़े बड़े फफोले हो गए। श्री मैया कौशल्या ने गोदी में मस्तक रखा, भरत लाल जी का अपनी गोदी में मस्तक रख के कहा भरत जी क्या हल कर लिया है। भरत लाल जी ने कहा कि मैया जिसकी माँ ने आपकी संतान को 14 बरस के लिए फफोले में ही छोड़ दिया है, उसके एक दिन के चलने में आप इतनी कष्ट भोग रही हो, इतना कष्ट आपके मन में हो रहा, ये सब छोड़ो मैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं श्री राम जी मेरे आने की खबर सुनकर के कहीं चले तो नहीं जाए। श्री मैया कौशल्या ने कहा कि भरत तुम बिल्कुल सावधान रहो, बिल्कुल प्रसन्न रहो, श्री राम खुद तुम्हारी आगवानी करने के लिए आएंगे। बोले श्री राम भैया कभी आ जाएंगे तो लक्ष्मण लाल नाराज होगा, वो कभी नाराज होगा तो मैया ने कहा वो भी नहीं होगा। तो बोले भाभी माँ मुझे माफ नहीं करेगी मैया, तब क्या होगा। तो श्री कौशल्या मैया ने कहा कि भरत मुझे पता है तुमसे कोई नाराज नहीं होगा, निर्भय होकर के अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। और यहाँ से श्री भरत लाल जी की यात्रा आगे बढ़ी। अब बढ़ते बढ़ते चित्रकूट धाम जो है वो टीला ऊपर है, श्री राम जी का आश्रम भी ऊपर है। तो श्री भरत लाल जी ने कहा कि आप सभी लोग यहीं पर रुकिए, हम वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था दे करके आते हैं, भैया का आश्रम दे करके आते हैं। ऊपर टीले पर श्री भरत लाल जी, शत्रुघ्न महाराज जी, निषाद महाराज जी चढ़े और निषाद महाराज जी ने दूर से बताया कि ये जो आश्रम है जहाँ पे तुलसी का पौधा लगा हुआ है, आंगन में बेर की गुठलियाँ है, यही श्री राम जी का आश्रम है। यह देख करके श्री भरत लाल जी चरणों में यहाँ पर प्रणाम करने लगे और भरत लाल जी ने कहा कि अब निषाद महाराज जी सिर के बल से मुझे अयोध्या से चल करके आना था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं था, मैं रथ में बैठ करके आ गया, चल गया, लेकिन अब यहाँ तो जहाँ मेरे प्रभु का चरण होगा वहाँ श्री भरत का मस्तक होना चाहिए। तो श्री भरत लाल जी ने लंबा साष्टांग प्रणाम करके चलना शुरू कर दिया है। संपूर्ण चित्रकूट के पत्थर पिघल जाते हैं। बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि देवताओं जिस भक्त को तुमने चैलेंज किया था चरणों में फफोले करके कि हर हालत में श्री राम से नहीं मिलना चाहिए, इतना कष्ट देंगे, तो उस भक्त ने तुमको चैलेंज कर दिया है कि देवताओं चरण में तो क्या भरत के पूरे शरीर पर फफोले कर दो तो भी श्री भरत को श्री राम से मिलने के लिए तुम लोग बाधित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लो मैं शरीर पूरा डाल रहा हूं, पूरे पर फफोले कर दो। बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं यदि श्री राम भरत के शरीर पर लहू का एक भी निशान अगर दिखाई पड़ गया तो श्री राम के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। सदैव से श्री प्रभु का नियम है कि अपना मान टले टल जाए, लेकिन कभी भी भक्त का मान नहीं टलता है, वो भक्त के कष्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। पागलों शरणागत हो अति शीघ्र। देवता लोग घबरा गए, धरती माँ तुरंत कोमल हो गई, पवन भी बहने लगा, सूर्य बादल की ओट में छिप गया और साष्टांग वंदन करते हुए श्री भरत लाल जी पहुंचते हैं श्री राम जी के आश्रम में। इधर लक्ष्मण लाल जी थोड़े नाराज हुए कि भरत को राज सत्ता का मद हो गया होगा प्रभु। श्री राम जी ने मनाया कि लक्ष्मण भले ही मेरु पर्वत मच्छर के फूंक से उड़ जाए, जो कि नहीं उड़ सकता लेकिन उड़ जाए, 3 अंजुली में सागर को पीने वाले महर्षि अगस्त जी भले ही चुल्लू भर पानी में डूब जाए, जो कि भरत उठे राम सुनी प्रेम धीरा, उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहु पट कहु निसंग धोतीरा, कहु पट कहु निसंग धोतीरा, उठे राम सुनी प्रेम
भैया उठिए, आपका भरत आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। यह सुनते श्री राम जी इतना तेज गति से भागे हैं और दौड़ करके गए और श्री भरत लाल जी को जबरदस्ती उठा करके अपने गले से लगा लिया है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। बोले श्री भरत लाल की। आज भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं बचा है, इतना एकाकार हो गए भक्त। और गोस्वामी जी को रास्ता ही पता नहीं कि श्री राम जी किधर से उठे और किधर से गए हैं। उठते समय चार चीज गिरी है, प्रभु कितना तेज गति से भागे। बोले सूर्य नारायण की जो तीखी किरणें पृथ्वी पर गिरती है, वैज्ञानिकों की दृष्टि से इसकी गति तेज है। पुराणों के अनुसार श्री गरुड़ जी महाराज की गति तेज है, उसे भी बढ़कर के भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की गति तेज है, उसे भी बढ़कर के श्री राम जी के धनुष से जो बाण निकलता है उसकी गति तेज है, और उससे भी बढ़कर के आप और हमारे सबके मन की गति तेज है। और आज एक मनुष्य के मन से भी करोड़ों गुना तेज गति से श्री राम जी अपने भैया भरत के लिए भागे है, इसलिए रास्ता पता नहीं कि किधर से गए और कैसे प्रभु ने उठा करके गले लगाया। पर चार चीज नीचे गिरा करके गए थे, इसलिए तुलसीदास जी ने रास्ता पता कर लिया है। चार चीज क्या? धनुष, बाण, पीताम्बर, तरकस, चार चीज नीचे गिरी है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि देखो इधर से गए हैं और उठाया श्री भरतलाल जी को। चार चीज क्यों गिराई? अलग अलग संत अलग अलग बताते हैं कि पहले संत बताते हैं कि चार चीज इसलिए गिराई प्रभु ने, क्योंकि जो भक्त जितना छोड़ करके प्रभु की शरण में आता है, भगवान भी उतनी चीज छोड़ करके उसको मिलने के लिए जाते हैं। तो श्री भरत लाल जी अभी अभी प्रयागराज में कितनी चीज छोड़ के आए हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीज छोड़ी। तो श्री राम जी का तुमने चार चीज छोड़ी है तो मैं भी चार चीज छोड़ करके आता हूँ। कुछ संत कहते नहीं, ये शस्त्र जो है ये स्वयं गिरे है। इन्होंने सोचा कि भारत का संत श्री राम जी की चरण धूलि में लोट लगा रहा है तो हमें शर्म आना चाहिए, श्री राम जी के शरीर पर हम लदे हुए हैं, इसीलिए ये शस्त्र नीचे गिरे। एक संत ने बहुत सुंदर अर्थ लगाया कि बचपन से ही श्री भरत लाल जी को श्री राम जी जिताते आए हैं और राम जी हार जाते हैं, तो आज भी शस्त्र नीचे गिरा करके श्री राम जी ने भरत लाल जी से मन ही मन में कहा है कि भैया एक तरफ तो पिता का वचन है और दूसरी तरफ तुम्हारा प्रेम है, मैं आज भी तुम्हारे सामने हार रहा हूँ, क्या पिता का वचन भी तुम्हें निभाना है और मेरा प्रेम भी तुम्हें निभाना है, तुम चाहोगे मैं वही करूंगा। और यही बात के लिए श्री राम जी ने शस्त्र को गिरा दिया है। जो भी कारण है पर सब महान है। भरत लाल जी को गले से लगा करके प्रभु हाथ पकड़ करके आश्रम में जबरदस्ती लाए। लक्ष्मण लाल जी चरणों में गिरे, भैया मैंने आपको बहुत अनुचित किया था। लक्ष्मण लाल जी को भरत लाल जी ने गले से लगाया, शत्रुघ्न जी को गले लगाया और डरते हुए श्री भरत लाल जी सीता जी के चरणों में प्रणाम करने लगे कि शायद भाभी माफ नहीं करेगी। सीता जी का गला भर आ जाता है और आंखों में आंसू आ गए। जानकी जी ने मस्तक पर हाथ रखा भरत जी के, तो जानकी जी ने जैसे हाथ रखा तो श्री भरत लाल जी को आश्वासन मिल गया कि माँ शायद नाराज नहीं है। सारे लोग बैठे हैं, सब रो रहे हैं। जहाँ प्रेम चरम सीमा पर रहता है, जहाँ परिपक्व अवस्था प्रेम में आ जाती है, वह वाणी बंद हो जाती है। सारे लोग मौन धारण करके बैठे हुए, कोई किसी से बोलता नहीं है। निषाद महाराज जी को सुध आई कि भैया प्रभु मैया ये अकेले नहीं आए हैं, मैया और गुरु जी सबको साथ में लेकर के आए हैं। श्री राम जी सबकी अगवानी करने गए, सारा परिवार को लेकर के जब आए, तीनों माताओं को जैसे सीता जी ने देखा तो अपनी आंख बंद कर ली। क्यों? क्योंकि तीनों माताओं की साड़ियां सफेद है, माथे पर बिंदी नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है। ये देख करके सीता जी मन में सोचने लगी कि मेरी माताओं के श्रृंगार को क्या हो गया है, मेरी माताओं की बिंदियां कहां चली गई है। आंख बंद कर ली, सारी सभा में सारे लोग बैठे। वशिष्ठ महाराज जी ने बहुत सारा ज्ञान का धर्म का निरूपण किया और बाद में श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी याद करते करते आपके पिता ने प्राण को छोड़ दिया है। यह सुनते श्री राम जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते, रोते हैं। अब ये मत सोचना कि श्री राम तो भगवान है, भगवान की ओर हुए। भगवान आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं रोते हैं, भगवान उनके संतों के लिए, उनके भक्तों के लिए रोते हैं। और श्री महाराज दशरथ जी के समान कौन प्रेमी होगा जिन्होंने श्री राम के वियोग में प्राण छोड़ दिया, तो ऐसे भक्त के लिए अगर श्री राम रोए तो कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी ने फल का तर्पण किया,
और रात्रि के समय श्री वशिष्ठ महाराज जी ने भरत जी से पूछा कि भरत बताओ बेटा उपाय बताओ कि कैसे क्या करें क्या निर्णय लें। तो भरत लाल जी ने रोते हुए कहा कि गुरु जी यही तो मेरा भाग्य फूट गया है। उपाय गुरु बताता है कि शिष्य बताता है, आपको बताना चाहिए कि आप मुझसे पूछ रहे हो। गुरु जी ने कहा कि मेरे पास में एक उपाय है। क्या? बोले मैं ये चाहता हूँ कि श्री राम घर आ जाए और श्री राम के बदले में तुम वन में चले जाओ। तो भरत लाल जी तो नाचने लग गए कि अगर ऐसा होगा ना गुरुजी तो 14 वर्ष तो क्या, मैं पूरा जीवन ही वन में रहने के लिए तैयार हूँ। बताओ तो सही क्या करना है, ये प्रस्ताव आप पारित कीजिए। वो भरत लाल जी नाचने लग गए तो गुरु जी ने कहा कि भरत नाचने की जरूरत नहीं है, मैंने तो केवल ये बात रखी है, अभी श्री राम के पास में बात रखना है, राम इसको स्वीकृति दे तभी इसको सत्य मानेंगे। प्रातः काल हुआ, राम जी से गुरु जी ने कहा भी सही लेकिन श्री राम जी बोलते नहीं है, उसे बोले नहीं। उससे पहले दूत ने आकर के कहा जनक महाराज जी आ गए हैं। श्री जनक जी के आगवानी करके श्री राम जी जब लाए, दो सागर आपस में मिलते हैं, ऐसे दो परिवार आपस में मिले। जनक जी महाराज बहुत दुखी है, सारा परिवार दुखी श्री महाराज दशरथ जी के लिए। और अब सुनैना मैया के पास में जानकी जी की माता जी जब आती है तो मैया कौशल्या, सुनैना मैया जानकी जी की माँ है, ये कौशल्या मैया के पास में जब आई तो कौशल्या मैया का मस्तक झुक जाता है कि इनके पति ने कहा था कि अगर मेरी बेटी के चरण में कंकर भी चुभ जाए तो आप मिथिला में सूचना भिजवा देना, लेकिन अब मैं इनको क्या मुख दिखाऊं। तो कौशल्या मैया का मस्तक झुक गया। सुनैना मैया ने कहा कि मैया आप बिल्कुल दुखी मत हो, याज्ञवल्क्य जी ने तो पहले ही हमें कह दिया था कि जानकी का वनवास पति के साथ में होगा। सुनैना मैया ने सांत्वना दी। जानकी जी को लेकर के जनक जी के पास में जब आई तो पूरी मिथिला के जो लोग हैं वो सारे दुखी हो जाते कि हमारी ये वो कन्या है जो चलती थी तो मखमल के फावड़े बिछाते थे, पुष्प बिछाते थे, सीरज की पंखुड़ी बिछाते थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि इस रूप में हमको जानकी को देखना पड़ रहा है। इसीलिए सारे लोग रोते हैं पर महाराज जनक जी ने अपने हृदय को कठोर कर लिया। जनक जी ने सोचा कि बेटी अपने धर्म का पालन कर रही है और अगर मैं कमजोर पड़ गया तो बेटी भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए जनक जी महाराज ने और भी आशीर्वाद दिया। सीता जी वहां से लौट करके आ गई। अब श्री भरतलाल जी के पास में गुरुजी वापस जाते कि भरत उपाय बताओ कि क्या करना चाहिए। तो भरतलाल जी को इतना आज थोड़ा सा गुरुजी पर भी गुस्सा आ गया और भरतलाल जी ने कहा कि गुरुजी उपाय गुरु बताता है कि शिष्य बताता है, आज आप मुझसे उपाय पूछ रहे हो, इसीलिए मेरी तो ये मुझे ये लग रहा है गुरुजी कि मेरे भैया के वनवास में मेरी माँ का ही नहीं बल्कि आप लोगों का भी हाथ है। गुरुजी ने कहा कि क्या कह रहे हो भरत? बोले हाँ मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी हाथ है, तुम्हारी माँ ने वरदान मांगे इसलिए श्री राम वन में आए। तो भरत लाल जी ने कहा कि गुरुजी अच्छा एक बात बताओ कि मेरी मैया ने पहले नंबर पर क्या वरदान मांगा था? बोले श्री भरत का राज तिलक मांगा था। दूसरे नंबर पर क्या मांगा था? बोले श्री राम का वनवास। तो श्री भरत लाल जी ने कहा कि गुरुजी फिर मेरी माँ के मांगे गए वरदान के क्रम के अनुसार आप चले कहाँ हो? मेरी माँ ने पहले नंबर पर मेरा राजतिलक मांगा था, दूसरे नंबर पर भैया का वनवास मांगा था, तो पहले नंबर पर मेरे राजतिलक के बहाने मुझे वन से बुलवाते, घर से बुलवाते और मैं जब आ जाता एक बार तो गुरुजी मेरी माँ तो क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई माई का लाल नहीं जो मेरी मेरे भैया को नंगे पैर वन में भेज दे, लेकिन अब उस समय मेरे पास न उपाय था, अब उपाय पूछ रहे हो, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। भैया से कहूँगा तो भैया भी बड़ी बड़ी दलीलें करेंगे, पिताजी है नहीं भैया इसलिए वचन के अनुसार हमें चलना है और भैया बड़ी बड़ी बात करेंगे, मैं तो वैसे ही फेल हो गया हूँ। भरत लाल जी बहुत दुखी होते हैं, वशिष्ठ महाराज जी समझाते हैं। प्रातः काल सभा लगी, श्री राम जी बार बार जनक जी की तरफ देखे, वशिष्ठ जी की तरफ देखे, दोनों ने मना कर दिया। जनक जी ने कहा मैं तो योगी हूँ और वशिष्ठ जी ने कहा मैं गुरु हूँ, गुरु का कर्तव्य होता जीवों को लाना, जीवों को दूर करना नहीं है। श्री राम जी ने भरत लाल जी की तरफ देखा तो भरत लाल जी खड़े हो जाते और मन ही मन में चिंतन करते हैं कि
श्री राम जी ने कहा कि भरत बोलो, अगर तुम चाहो तो मैं घर भी चलने के लिए तैयार हूँ और तुम चाहो तो मैं वन में भी जाने के लिए तैयार हूँ, तुम कहो कि मुझे क्या करना है। अब देखो ये श्री राम वही वाले श्री राम है। राजा दशरथ जी ने कहा कि राम वन में मत जाओ, राम जी ने कहा नहीं रुकना मुझे जाना है। निषाद महाराज जी ने कहा राम वन में मत जाओ, इन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। केवट जी ने कहा राम मत जाओ, नहीं मुझे जाना है। कोल भिलो ने कहा मत जाओ, नहीं हमें जाना है। सारे लोगों ने रोका लेकिन श्री राम रुके नहीं। सुमन जी ने कहा श्री राम मत जाओ लेकिन जाना है। लेकिन यहाँ पर यही वाले श्री राम जी भरतलाल जी के सामने हार मानते। क्या कहते कि अगर तुम कहो तो पिता के वचन को तोड़ता हूँ और तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। इसे कहते प्रेम का सरोवर ही श्री भरतलाल जी हैं और प्रेम रूपी सरोवर को प्रभु कभी भी पार नहीं कर सकते। इसीलिए भरत जी से कह रहे कि भैया तू कहे तो मैं कुल की रीति धर्म को छोड़ती चलूं तेरे साथ में। भरतलाल जी खड़े होकर के विचार करने लगे मन में कि हे शारदे मैया, मैं तो एक लाउड स्पीकर हूँ, बोला तो अंदर से आपको ही पड़ेगा। और तभी उसी समय इनकी जीव पर भक्ति रूपी शारदे मैया आ जाती है। और भरतलाल जी ने चिंतन किया कि मैं अगर कहूंगा तो वास्तव में मेरे साथ में घर तो आ जाएंगे, लेकिन घर पर मखमल की सैया पर सोते सोते भी, छप्पन भोग खाते खाते भी जीवन पर्यंत चिंता में डूबे रहेंगे कि मैंने पिता के वचन का पालन नहीं किया, मैंने पिता के वचन का पालन नहीं किया, तो क्या फायदा, अयोध्या में जाकर के भी दुखी रहेंगे। और अगर इनके अनुसार में वन में इनको जाने दूं तो वन में भूमि पर सहन करके कंदमूल फल खा करके भी ये प्रसन्न रहेंगे कि मैंने पिता के वचन का पालन किया, पिता के वचन का पालन किया। इसीलिए इनकी इच्छा के अनुसार चलने में भलाई है। सेवक का धर्म तो दुख उठाना है, सुख उठाना नहीं रहता है। इसलिए जो चाहे वही मुझे करना है। तो श्री भरत लाल जी ने कहा कि भैया आप बताओ क्या करना है। श्री राम जी ने कहा कि भैया तुम्हारे लिए अवधि बहुत कठिन है, मेरे लिए अवधि बहुत सरल है, फिर भी पिता ने तुमको वन दिया है, मुझे वन दिया है, मुझे वन में जाने दो, तुम्हें राजगद्दी दी, तुम राजपाट का भोग करो, 14 साल के बाद में आ जाऊं, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। श्री भरतलाल जी ने कहा कि सब आदेश का पालन करना है मुझे, मैं करूँगा, लेकिन एक आदेश का पालन मैं नहीं करूँगा। क्या बोले, मैं उस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, 14 बरस के लिए मैं पूरी अयोध्या की रक्षा प्राण को देकर के भी करूंगा, लेकिन उस सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। श्री राम जी का ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भरत जी का भैया 2-4 दिन हम यहाँ चित्रकूट धाम के मैं परिक्रमा लगाना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं जाऊँगा। 5 दिन श्री चित्रकूट धाम में भरतलाल जी ने यात्रा की है, सारे लोग दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। उसके बाद 5वें दिन भरतलाल जी आए, सभा लगी, श्री राम जी कह रहे हैं कि माँ ने उदासीन व्रत दिया है और ज़्यादा दिन ये रुकेंगे तो अच्छा नहीं है। राम जी ने गुरु जी की तरफ देखा कि गुरु जी आप कुछ बोलो, गुरु जी ने कहा कि मेरा काम जीवों को लाना है, ले जाना नहीं है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। वशी जनक जी से पूछा कि आप बताओ, जनक जी ने कहा मैं योगी हूँ, मेरी नज़र में दो कोई है नहीं, किसके बीच निर्णय करूँ। अब श्री भरतलाल जी को खड़ा किया तो भरतलाल जी ने कहा कि भैया आज हम जाना चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा कि ठीक है भैया। अब राम जी बहुत सारा राजनीतिक भाषण दे रहे हैं पर श्री भरतलाल जी का हृदय जल रहा है। बोले भैया मेरे हृदय की जलन ऐसे नहीं जाएगी, कब जाएगी। बोले मुझे जीने के लिए 14 वर्ष के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। श्री राम जी कुटिया में जाते हैं, अपनी चरण पादों का लेकर के आ करके श्री भरतलाल जी को प्रदान करते हैं। प्रभु करी कृपा Yeah.
का लेकर के बाहर आए, भरत लाल जी ने आधार मांगा था, श्री राम जी ने आधार चरण पादुका पधराई तो भरत लाल जी ने चरण पादुका को लेकर के शीश पर रख लिया। तो श्री राम जी ने कहा कि भैया मैंने तो तुमको, तुमने तो आधार मांगा था, मैंने तो तुमको भार दे दिया। श्री राम जी ने सोचा कि चरण पादुका मांगी है तो इसने आधार मांगा है, तो आधार का अर्थ नींव है, नींव पर मकान टिका रहता है। तो श्री राम जी ने कहा कि इसने आधार मांगा है तो चरण पादुका दूं ताकि ये पहन लेगा तो इसके कदम जो है मजबूत हो जाएंगे, आधार है। लेकिन भरत लाल जी ने तो उल्टा किया, शीश पर रख ली चरण पादुका। तो राम जी ने कहा कि तो आधार नहीं, एक तरह से मैंने तो बाहर दे दिया तुम्हारे सर पर। तो श्री भरत लाल जी हंसते हुए कहते हैं कि भैया ये भार नहीं, ये आधार ही है। कैसे? बोले मैंने पहले ही कहा था कि मैं राज सत्ता, राज सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। बोले हाँ। तो बोले ये चरण पादुका आधार है। कैसे? बोले आपने जो राज सत्ता का भार मुझ पर दिया है ना, उसको संभालने के लिए ठीक वैसे ही आधार है जैसे पहले की माताएं कुएं आदि में पानी भरने जाती थी तो मटका जब सिर पर उठा करके लाती थी तो सिर और मटके के बीच में कोई ना कोई आधार चाहिए रहता था ना, गोल राउंड कपड़े की एक चुंगली बनी जाती थी और उसे मस्तक पर रखते थे ताकि वो मटका गिरे नहीं, और अगर वो आधार ना हो तो मटका नीचे गिर जाएगा। तो भरत लाल जी ने कहा कि मेरे शीश पर आपके जो चरण पादुका है ये आधार है और इस आधार पर राज सत्ता का भार रहेगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा भैया, इसलिए ये तो मेरे लिए आधार ही है। तो राम जी भी हंसने लगे, कहा ठीक है। भरत लाल जी श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके यहाँ से अपनी यात्रा लेकर के आगे बढ़ जाते हैं।